हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बिग बॉस सीजन 13 को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर वायरल होती ही रहती है। बीते दिनों एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल रही थी कि हिना खान ने आसिम रियाज की काफ़ी सारी तारीफ़ें की हैं जब वो अपने सॉन्ग रांझना को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर गई थी। खैर, जहां लगातार ही कहा जा रहा था कि आसिम का खुलकर सपोर्ट कर रही हैं हिना खान, तो इसी बीच हिना के कई और बयान सामने आने लग गए। दरअसल हिना खान हाल ही में लाइव आई थी। लाइव आकर हिना खान ने कई बड़े बड़े खुलासे किए। हिना खान ने एक ऐसा गंभीर आरोप भी बिग बॉस सीजन 13 पर लगा दिया है जिसके बाद सभी सोच में पड़ गए हैं। दरअसल हिना पहले भी कह चुकी हैं कि कुछ सीन्स एडिट कर दिए जाते हैं जो कि टीवी पर दिखाए नहीं जाते, और ऐसा ही हुआ है अभी हाल ही में। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स आसिम रियाज को इस सीज़न का विनर बनाना चाहते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा लगातार फैंस द्वारा कहा जा रहा है। और तो और हिना खान ने हाल ही में ये कहा कि मैंने ये कहा था कि टॉप फोर में मैं आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और पारस छाबड़ो को देखती हूँ। आसिम रियाज काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं लेकिन बाकी सभी भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं इक्वली। और हिना खान ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ सीन्स एडिट कर दिए जाते हैं और दिखाई नहीं जाते, यही उनमें से एक है। ऐसा क्यों हुआ है ये तो पता नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। खैर, अब जो फैंस बात कर रहे हैं कि भाई आसिम रियाज को इस सीज़न का विनर बनाना चाहते हैं मेकर्स, उसके बाद हिना खान की ये बातें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम स्टेटमेंट्स पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के ज़रिए अपनी राय ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।